आज सारण जिला में हमने पूरे जिले के इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में समीक्षा की। हमारे साथ कार्यकारी जनरल मैनेजर BSNL के हमनौर KP श्रीवास्तव साहब उपस्थित हैं और विस्तार से पूरे जिले के माइक्रोवेव लिंक कनेक्टिविटी के साथ साथ जो जिला में सभी स्थानों पर जिस प्रकार से बिजली, चाहे वो BTS का हो, कहाँ कहाँ सिग्नल कम है और कहाँ कहाँ पर नए टावर्स लगाए जाने हैं, उसके स्थानों के बारे में चर्चा हो। इस विषय में हमारी बातचीत मनोज सिन्हा साहब से हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि सारण जिला में एक एक स्थान पर जो BTS का टावर लगेगा वो लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से है और मैं समझता हूँ कि 15 से 16 स्थानों पर जिसकी लागत 30 से 32 करोड़ रुपये आएगा उसका लगाने की तैयारी है। साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि ज़िला में एक ऐसा चीज़ किया गया है जो शायद किसी भी बिहार के किसी ज़िला में नहीं है और आप देख सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी है ऑप्टिकल फाइबर के से चारों तरफ से ज़िला को कवर किया गया है। छपड़ा को गरखा से, छपड़ा को मरहौड़ा से, छपड़ा को भेल्दी से, छपड़ा को अमनौर से और एक प्रकार से अगर किसी भी दिशा में कहीं भी फेलियर होता है या तार कटता है या ऑप्टिकल फाइबर कटता है तो सारण जिला में कम से कम ये सुनिश्चित किया गया है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी रुके नहीं। और इतना ही नहीं, इसका एक तार आरा से लेकर के छपड़ा तक लाया गया है, दूसरा हाजीपुर से छपड़ा, तीसरा छपड़ा से सिवान और यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर से लेकर छपड़ा को कनेक्ट किया गया है ऑप्टिकल फाइबर से। इसलिए मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि आज सारण जिला में पूरे बिहार में सबसे सशक्त अगर इंटरनेट ग्राउंड केबल ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी है वो सारण जिला में है और यहाँ के लोग अब महसूस कर रहे हैं और लगातार इंटर नेटवर्किंग और टेलीफोन की सुविधाओं में सारण आज पूरे बिहार में नंबर 1 है और ये प्रत्यक्ष रूप से हर लोग महसूस कर रहे हैं।